आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। हमें ये तीन पार्ट्स दे रखे हैं 2.3, 4.1, -5.7, -1.3 एंड ए बी माइनस ए माइनस बी। तो हम ये कैसे निकलेगा, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। मैं डिस्टेंस फार्मूला पहले शो कर देता हूँ कि कौन सा फार्मूला यूज होना है। यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला में हम x2 x1 और y2 y1 की बात करते हैं। दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। तो x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर, ये फॉर्मूला लगेगा। देखो फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब जैसे इसको पॉइंट लेट ए 2.3 एंड बी 4.1, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस क्या निकालना है, ए बी। तो कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1 का स्केयर। अब x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2 का स्केयर प्लस 1 माइनस 3 का स्केयर, ठीक है। तो अब रूट में 4 माइनस 2 2 का स्केयर प्लस 1 माइनस 3 कितना बनता है, माइनस 2। 2 का स्केयर इज 4 एंड माइनस 2 का स्केयर भी 4 ही होता है। अब देखो इसमें क्या करोगे, या तो ऐड कर लो या फिर 4 कॉमन ले लो। जब 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 1 प्लस 1। 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2, और यहाँ पे अंडर रूट क्या बनेगा, 2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2√2 यूनिट्स, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे हमें मीटर सेंटीमीटर तो कुछ दे नहीं रखा, ये तो पॉइंट्स दे रखे हैं, तो 2√2 यूनिट्स डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, लेट ए बी -5.7 एंड बी बी -1.3, ठीक है। अब आपका x1 y1 ये हो गया और x2 y2 ये हो गया। देयरफॉर डिस्टेंस ए बी क्या बनेगा, रूट x2 -x1 -1 माइनस ऑफ -5, ठीक है। x2 -x1 का स्केयर प्लस y2 -y1 3 -7 का होल स्केयर। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो -1 +5 का स्केयर, और ये क्या बना, 3 -7 -4 का स्केयर। अब अच्छा 5 -1 क्या होता है, 4 ही होता है, ठीक है। तो 4 का स्केयर क्या बन जाएगा, 16, और -4 का स्केयर क्या बनेगा, वो भी 16। अब इसमें भी वही सेम चीज़ जो हमने पीछे करी थी, 16 कॉमन ले लो, बचेगा क्या, 1 प्लस 1, ठीक है। जब 16 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 16 का अंडर रूट क्या होता है, 4, और रूट में क्या बच गया, 2। तो ये आंसर आ गया 4√2 यूनिट्स, ठीक है। सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बस स्केयर्स ओपन कर रहे हैं और आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, लेट ए बी ए कॉमा बी एंड बी बी -A, -B। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर, ठीक है। अब ये क्या बन गया, -A, -A, -2A का स्केयर, और ये -2B का स्केयर, ठीक है। तो -2A का स्केयर क्या बन गया, 4A स्केयर, और इधर 4B स्केयर, ठीक है। तो 4A स्केयर प्लस 4B स्केयर। अब देखो इसमें क्या बनेगा, 4 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो रूट में क्या बना, A स्केयर प्लस B स्केयर। 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2, तो आंसर क्या आएगा, 2√A² + B² यूनिट्स, ठीक है। बस इसमें सिंप्लीफाई ध्यान से करना, बाकी डिस्टेंस फार्मूला जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने भी सारा समझ में आ जाएगा। एक यही फार्मूला मेन है जो इस चैप्टर में, x2 - x1 का स्केयर और y2 - y1 का स्केयर, इस एक्सरसाइज में यही चीज़ें चलेगी।
और आगे हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन टू है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। ठीक है, सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं, पहले डिस्टेंस निकालते हैं। देखो ये पॉइंट लेट करते हैं ए, लेट ए बी 0,0 एंड बी बी 36,15। ठीक है, उसने यही पूछा कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, तो डिस्टेंस क्या होगा ए बी। फॉर्मूला एक्स टू माइनस एक्स वन का स्केयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्केयर। फॉर्मूला पहले लिख लेना पेपर में, उसके बाद अप्लाई करना। एक्स टू माइनस एक्स वन 36 माइनस जीरो का स्केयर प्लस 15 माइनस जीरो का स्केयर। ठीक है, अब 36 का स्केयर, देखो 36 का स्केयर निकालने का एक तो सिंपल आपका मेथड है, जैसे 36 को 36 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी 1296। और अगर आप शॉर्टकट, जिसको वैदिक मैथ्स के बारे में पता है कि ये 50 से कितना कम है 14, तो 14 का स्केयर क्या होता है 196, तो लास्ट के दो डिजिट तो हो गए 96, वन कैरी। तो अब इसमें जो 50 से कम वाली वैल्यूज होते हैं उसमें हम जो बाकी की दो वैल्यू उसको 25 में से क्या करते हैं, हाँ जी माइनस 25 माइनस 14। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा अगर मैं 25 में से 14 माइनस करूं 11 और 11 प्लस 1 12, तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, पर ये चीज़ आपने फेयर में नहीं अप्लाई करनी कभी भी, मल्टीप्लिकेशन अगर आप शो करना चाहते हो तो उसको मल्टीप्लिकेशन भी शो कर दो। ठीक है, ये चीज़ जिनकी प्रैक्टिस है वो करें। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 1296। 15 का स्केयर ये तो वैसे ही बहुत ईजी है। ठीक है, 15 का स्केयर लास्ट में जब भी 5 हो तो उसके स्केयर में क्या होता है 5 × 5 हमेशा बनता है 25, और 1 को उससे नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो 1 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा 225। ठीक है, तो अब इसको ऐड कर दो 1296 प्लस 225 क्या बनेगा, ये 6 और 5 11, 10 और 2 12, 3 और 2 5 और 1521। ठीक है, ये आ गया आपका 1521। अब इसके लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप अगर प्रैक्टिस है आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड की, ठीक है, तो उससे कर लो, नहीं तो आपको हिंट मैं दे देता हूँ। जैसे कि नंबर देखो 1521, तो ये 40 के स्केयर के आसपास है, मतलब 40 का स्केयर क्या होता है 1600, तो ये 1600 से थोड़ा कम है, तो मतलब अगर मैं 39 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आंसर आ जाएगा 9 9 81, 9 3 27 और 8 35, 3 9 27, 3 3 9 02 11। ठीक है, ये आ गया 1521। पर अगर बाई चांस आपको नहीं पता चलता कि किसका है तो फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से करो। देखो अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 क्या बना 9, 15 में से 9 गए 6, 6 2 1, 3 का डबल क्या होता है 6,
अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वही सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो यहाँ पे आएगा। 69 को अगर मैं 9 से करूँ, 9 9 ज़ा 81, 9 6 ज़ा 54 और 8 62, ठीक है, ये पूरा कैंसिल हो गया। तो क्या आंसर आ गया, 39, ठीक है। तो इसका रूट क्या बन गया, 39, ठीक है। अब वो कह रहा है, कहता कि सेकंड पार्ट में कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो सेक्शन 7.2 में जो हमें टाउन्स के बारे में बात कही गई है उसमें ये डिस्टेंस सेम था, उन्होंने जो पोजीशन लिखी थी टाउन ए और बी की वो वही थी, 0.0 और 36.15, ठीक है। तो डिस्टेंस वही सेम आएगा, यही 39 किलोमीटर, ठीक है। जब कोऑर्डिनेट्स ही सेम है तो डिस्टेंस भी तो सेम ही होगा, ठीक। हमने दो क्वेश्चंस कर लिए इस एक्सरसाइज के, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।